यह चंदौली लोकसभा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल का बड़ा नाम और भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है। आपको बता दें 18,41,000 वोटर यहां 10 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे और इस समय हमारी मौजूदगी सैयद राजा के एक बूथ पर है जहां पर गर्मी की वजह से अभी तो वोटर्स नहीं दिख रहे लेकिन सुबह से यहां भारी भीड़ जरूर देखी जा रही थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। वोट दिया आपने? अभी देने जा रहे हैं। आप युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो सब जो गवर्नमेंट है अभी वो सब जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है, हम लोग के विकास में ही कर रही है, युवाओं के विकास में ही, तो उसी को कैरी ऑन करेंगे आगे। आपका क्या शुभ नाम है? मिक्की जायसवाल। मिक्की, यहाँ वोट देने आए हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या है सोच आपकी, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? जिस तरह विकास होते हुए आ रहा है मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह विकास चलता रहे, जो भी चीज़ जीरो लेवल से होकर हाई लेवल तक जा रही है वो चले। और हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, आप वोटर हैं, पहली बार वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? पिंटू केसरी। पिंटू, आप पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या है, युवा हैं, बेरोजगारी, महंगाई, कोई मुद्दा है आपकी नज़र में? बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई तो ऐसे तो है लेकिन इसके वजह से विकास भी काफ़ी देखा जा रहा है, विकास को देखते हुए कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है। ऐसे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोगों के सैयद राजा में। तो ये लोग हैं, ये वोटर्स हैं जो वोट देने जा रहे हैं, आपको बता दें इनके अपने अपने मुद्दे हैं, युवा हैं और जरूर बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा जरूर मानना है लेकिन सरकार के द्वारा काम को लेकर के इनके मिक्स रिएक्शन यहाँ जरूर देखने को मिल रहे हैं। जी, चंदौली की स्थिति लगातार आप बता रहे हैं। नितिन, एक बात और है कि एनडीए ने, भाजपा तो नहीं कहेंगे, एनडीए ने जिस तरीके से कास्ट फैक्टर को यहाँ पर एक तरह से साधा है, एक अपर एज माइलेज लेती हुई वो नजर आ रही है। आज जब वोटर पहुंच रहा है, जैसे अभी आपने कुछ वोटर्स से बात की, महंगाई की बात, एक बड़ी समस्या सिंचाई की भी इस पूरे इलाके में, इस पूरे लोकसभा में रही है। नितिन, उसको लेकर भी कोई चर्चा करता है या सिर्फ बातें हैं, बयान है? नितिन, नहीं देखिए, ये इलाका जो है चंदौली, इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, उन्नत धान की पैदावार है और पंडित कमलापति त्रिपाठी ने यहाँ नहर का एक जाल बिछाया था। ये पंडित कमलापति त्रिपाठी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, बाद में रेल मंत्री हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, तो राजनैतिक दृष्टिकोण से भी ये जिला बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो भी इस जिले से आते हैं और वर्तमान में जो सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे वो भारी उद्योग मंत्री हैं, तो पॉलिटिकली भी ये जिला काफी रिच माना जाता है और धान के कटोरे में, मतलब किसानों के लिए भी ये जिला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उन्नत किस्म की धान होती है और यहाँ की जो काला चावल, जो ब्लैक राइस है, उसने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई हुई थी एक समय। तो निश्चित तौर पे यहाँ मुद्दे जरूर हैं, किसानों के मुद्दे हैं और बेरोजगारी की बात यहाँ लोग कर रहे हैं, महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन जो आप कास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है क्योंकि जो गैर यादव ओबीसी कास्ट है, जो गैर यादव ओबीसी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ जरूर देखा जा रहा है। हालांकि मौर्य, पाल, पासवान ये वोटर्स जो हैं अभी जो इंडी गठबंधन है उनके झांसे में जरूर आए हैं। इस तरीके की बात जब हम लोगों ने अलग अलग लोगों से की तो इस तरीके की बात विपक्षी गठबंधन का जिक्र किया, वही में विपक्ष के उम्मीदवार पर ही आ रही थी। घाट घाट का पानी पिया हुआ है, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी तीनों से ही राजनीति की हुई है, उनको लेकर किस तरह से उन्होंने जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगा, उस अपील का एक वो बात, और दूसरा चंदौली की बात आपने कही कि मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन चंदौली की जनता है जो वो अपने क्षेत्र के विकास की तुलना जब आसपास के क्षेत्रों से करती है तो अक्सर निराश नजर आती है। नहीं, इसलिए भी निराश नजर आती है पढ़ना, आपको बता दें कि ये पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो विकास की जब तुलना होती है तो आम तौर पे कम जरूर है लेकिन वर्तमान में यहाँ पर काम हुए हैं और यही वजह है कि ज़्यादातर वोटर्स जो यहाँ हैं वो निश्चित तौर पे ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने काम किया है। आपकी बात, दूसरा एक सवाल आपका ये था कि जो गैर, मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि राजनीतिक जातिगत आधार पर इंडी गठबंधन ने भी यहाँ पर अच्छी चाल चली है,
क्षत्रिय मतदाताओं को लुभाने के लिए वीरेंद्र सिंह जो कि बनारस के रहने वाले हैं, अजगरा विधानसभा जो लोकसभा चंदौली ही आती है वहां के रहने वाले हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो क्षत्रिय मतदाताओं में सेंधमारी का प्रयास ये जरूर कहा जा सकता है और काफी हद तक उसमें सफल भी होते दिखे। हालांकि जब यहाँ बड़े बड़े नेताओं की, अभी राजनाथ सिंह ने आके अपील की, यहाँ पर क्षत्रिय नेता माने जाते हैं उनका गृह जनपद है, तो उन्होंने जब अपने कास्ट ग्रुप पर आकर अपील की तो उसका असर जरूर देखने को मिला है। लेकिन ये 4 तारीख को ही तय होगा जब ईवीएम से रिजल्ट आएगा। अभी तो सब कयास है, 4 तारीख को जब ईवीएम से रिजल्ट आएगा तभी ये तय हो पाएगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये बात सही है, 4 तारीख का इंतजार सभी को है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका भी तमाम अपडेट्स के लिए, रंजीश आपका भी, और इस भीषण गर्मी में लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो भी तैनात हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच अलग अलग जगहों से आती चुनावी तस्वीरें। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार वोट कास्ट करने पहुंचे सीएम हिमाचल, सुक्खू वो मतदान करने पहुंचे, आयुष्मान खुराना टीएमसी की नेता भी मतदान करने के लिए पहुंची, नुसरत जहां, दिनेश लाल यादव, कंगना रनौत, काजल निषाद सपा की प्रत्याशी हैं, रामकृपाल यादव, जीतन राम मांझी भी आपको नजर आ रहे हैं, HAM ये इनकी पार्टी का नाम है हम, तेजस्वी यादव पहुंचे, सुनील जाखड़ पहुंचे, अभिषेक बनर्जी, प्रताप सारंगी, लालू प्रसाद यादव, बहुत फोकस उन्होंने इस बार रखा है चुनाव पर, राबड़ी देवी, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, ये जो तमाम दिग्गज हैं एक स्क्रीन पर देख लीजिए, सबसे बड़े नेटवर्क पर एक स्क्रीन पर तमाम दिग्गज एक साथ।